हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एनी डेस्क के बारे में। तो ये जो एनी डेस्क है दोस्तों, ये क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो एनी डेस्क है, इसका फ़ायदा ये है, एक कि ये तो एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन है जो आपको आसानी से गूगल क्रोम पे मिल जाएगा। इसका यूज क्या है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यूज आपका ये है कि आपका कंप्यूटर, मान लो ये दिल्ली में है और ये आपके मुंबई में है, अगर आप इस पीसी पे बैठ के इस पीसी को उठाना चाहते हो, इस पे काम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एनी डेस्क की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको इसमें एनी डेस्क डाउनलोड कर लेना है और इसमें भी आपको एनी डेस्क डाउनलोड कर लेना है। दोनों पीसी में एनी डेस्क डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से इस पीसी में जो आईडी होगा, अगर आपको मान लो इस पीसी को उठाना है रिमोट पे, तो इस पीसी में जो एनी डेस्क आईडी होगा वो आपको इस पीसी में डालना होगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोनों में एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसके बाद इसका आईडी आपको कॉल करके इस बंदे को बोलना होगा, यहाँ पे जो कोई भी असिस्टेंट हो तो उनको बोलना होगा कि आप उसमें जो आईडी दिखा रहा है वो आईडी मेरे को बता दो। तो आईडी आप इसमें डालोगे, फिर पासवर्ड वो बताएंगे या फिर वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। या तो आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद, अगर पासवर्ड नहीं सेव है तो फिलहाल के लिए आप एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ पे जैसे ही एक्सेप्ट होगा, आपका इनका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आपके कंप्यूटर पे आने लग जाएगा। आप यहीं से बैठे बैठे सारा काम यहाँ का कर सकते हो, तो इसलिए एनी डेस्क का यूज किया जाता है। दोस्तों, एनी डेस्क के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो रिमोट डेस्कटॉप का काम करता है, जैसे कि एक है अल्ट्रा वीवर, दूसरा है टीम वीवर और ये एक तो एनी डेस्क है ही। तो दोस्तों, ऐसे कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप रिमोट ले सकते हैं किसी भी सिस्टम को। तो दोस्तों, मैं आपको इसको गूगल क्रोम से डाउनलोड कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये क्रोम पे आके आपको ये दिखा देता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें एनी डेस्क टाइप करना है, एनी डेस्क इंस्टॉल भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है, वेबसाइट आ रहा है एनी डेस्क का, ये जो एनी डेस्क का वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे विंडोज के लिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका सेलेक्ट होना चाहिए विंडोज का, और यहाँ पे आपको डाउनलोड सिंपली कर लेना है। बहुत ही इजी है, इसका सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए टाइमिंग दिखा रहा है, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। ये बहुत ही कम एमबी का होता है, 3.9 दिखा रहा है एमबी। ये देखिए डाउनलोड हो गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो इन फोल्डर करेंगे तो ये फोल्डर में हमें दिख जाएगा कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास ये कॉर्नर में जो ये साइन दिख रहा है, ये साइन का मतलब है कि ये आपका ऑनलाइन है, जब आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। दोस्तों, दोनों सिस्टम में, जिस सिस्टम को आप रिमोट पे लेना चाहते हैं और जिस सिस्टम से आप उसको रिमोट पे लेना चाहते हैं, ये दोनों सिस्टम में आपके इंटरनेट होना बहुत ही ज़रूरी है, बिना इंटरनेट का ये नहीं चल पाएगा। तो इंटरनेट जब आपका ऑनलाइन होगा तो ये ग्रीन सिग्नल आएगा, अगर ग्रीन सिग्नल नहीं है, येल्लो सिग्नल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस ऑनलाइन नहीं है, आपके सिस्टम में नेट नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये श्योर हो जाए कि आपका ग्रीन सिग्नल आ रहा है। दूसरा, ये जो नंबर है 123, ये जो नंबर है 1273 और ये पूरा टोटल जो 4, 3, 7 और 3, 10 अंकों का ये जो नंबर है, ये होता है आपका एनी डेस्क आईडी। तो यही एनी डेस्क एड्रेस, जिसको योर एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी डेस्क एड्रेस इसी को बोलते हैं। तो यही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होता है। जब
दूसरे सिस्टम को हम रिमोट पे लेते हैं तो यही सेम एड्रेस, सेम सॉरी, जो उनके डेस्कटॉप पे जो आईडी आएगा वो आपको यहाँ पे डालना होता है। अगर आपको किसी को देना है रिमोट तो आपको ये आईडी उनको बताना पड़ेगा, वो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा और वो एक्सेप्ट करेंगे और आपका सिस्टम वो कनेक्ट कर लेंगे। तो वैसे ही आपको जो सामने वाले का नंबर जो एनीडेक्स आईडी आ रहा होगा वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद आपको ओके कर देना है, एंटर कर देना है और वहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आप उनके सिस्टम पे कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनीडेक्स के बारे में, ये कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और इंस्टॉल कहाँ से होता है। आई होप इसे आप समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।